स्वागत है। हरियाणा में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक बानगी देखने को मिली पंचकुला में, जहां सरेआम कुछ अपराधियों ने पंचकुला के सेक्टर 10 की मार्केट में 3 लड़कों की पहले तो पिटाई की और फिर उसका अपहरण कर लिया। लेकिन पंचकुला पुलिस भी मुस्तैद थी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तीनों लड़कों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाने के साथ साथ 10 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला के सेक्टर 10 में दिन दहाड़े हुई 3 लड़कों की किडनैपिंग मामले में पुलिस ने सफलतापूर्वक तीनों लड़कों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए अपहरण में शामिल 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला पंचकुला बस स्टैंड के सामने स्थित सेक्टर 10 मार्केट का है, जहां पर करीब दर्जन भर अपराधियों ने पहले तो लड़कों के साथ खूब मारपीट की और उसके बाद अपराधियों ने इन लड़कों का अपहरण कर लिया। अपहरण और मारपीट की ये घटना वही मार्केट की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें उसी सेक्टर 10 मार्केट की हैं, जहां पर अपराधियों ने पहले तो लड़कों के साथ मारपीट की, उसके बाद जबरदस्ती इन लड़कों को कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शोरूम के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इलाके की नाकेबंदी शुरू कर दी। अपहरण का ये मामला इतना बढ़ चुका था कि खुद पुलिस कमिश्नर आरएस देशवाल भी मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर ने इस मामले को पैसे के लेन देन का मामला बताया था। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, पूरा पुलिस महकमा अपराधियों को पकड़ने में जुट गया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी कर दी थी और आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी के कारण सभी अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनकी पकड़ से तीनों युवकों को सुरक्षित आजाद करवा दिया। ये 3 आदमी यहाँ से किडनैप हुए, कोई इनका मामला चल रहा था आपसी लेन देन का, पैसे का, कुरुक्षेत्र वगैरह में, और 10-15 के करीब लोग आए यहाँ। तवा जो रेस्टोरेंट है उसके बेसमेंट में पहले बातचीत हुई, फिर कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर 3 या 4 गाड़ियाँ हैं जिनमें डाल के इनको लेके गए। तो तुरंत हमारे यहाँ जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई थी, 3-4 टीम्स बनाई गई थी और उनको चेस किया गया। कुरुक्षेत्र में 10-12 के करीब आदमी पकड़ लिए, तीनों जो आदमी किडनैप किए गए थे वो सुरक्षित। वहीं पुलिस को इस मामले में अभी कुछ और लोगों की तलाश है। पुलिस के अनुसार जल्द ही इन लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। पंचकुला के एसीपी क्राइम वीरेंद्र सागवान के अनुसार पुलिस की जांच में इस मामले में कुरुक्षेत्र के एक पुलिसकर्मी का भी नाम है। हमने 10 आदमी अरेस्ट कर लिए, अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ आदमियों के नाम और सामने आए हैं। हाँ, जो किडनैप हो गए वो बिल्कुल सेफ साउंड हमारे पास। और मामला क्या बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा पता लगा। मामला किडनैपिंग का है। किसी कोई विवाद था, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, वो इनका कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, उस संबंध में इन्होंने। हाँ, एक पुलिस का ईएसआई है कुरुक्षेत्र का, वो भी शामिल है। वही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटे युवक पुलिस को धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। पुलिस के द्वारा बचाए गए तरणवीर और रणवीर ने बताया कि अगर पंचकुला पुलिस जल्दी हमें नहीं छुड़ाती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने एक कोठी ली थी कुरुक्षेत्र, एक इंस्पेक्टर थी लेडी वहाँ की, उनसे, और ये पार्टी ने मुझसे आगे खरीद ली थी कोठी, और इनके पास पैसे नहीं इकट्ठे हुए रजिस्ट्री करवाने के लिए। तो ये टाइम मांग रहे थे, जहाँ फिर मैं कह रहे थे कि हमारे साथ बैठो और मैडम से वापस पैसे दिलवा दो। आज ये इसलिए यहाँ आए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन ये हमें नहीं पता था किस नीति से आए हुए हैं, और इन्होंने अपने साथ 20-25 आदमी लाए थे और हमें ज़बरदस्ती जो कि मारते पीटते हुए गाड़ियों में उठाकर कुरुक्षेत्र की तरफ ले गए। सबसे पहले मैं ही बाहर भागने की कोशिश की, जब मुझे पता चला भी ये बंदों की नीयत अच्छी नहीं है, सबसे मुझे ही पहले उन्हें पकड़ा, और काफ़ी बंदे आ गए और मुझे पकड़ के और नीचे घसीटते हुए गाड़ी में उठा के ले गए। मुझे तो मेरे ख्याल अम्बाला कब निकला है कब नहीं, पंचकुला निकला मुझे नहीं पता, उसके आगे जाके पता चला थोड़ा भी ये
एनएच रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं। पुलिस विभाग के काम करने के तरीके पर कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पंचकुला पुलिस किस तरह से तीन लड़कों के लिए भगवान बन गई, ये तो आप उन लड़कों के मुंह से सुन चुके हैं। पुलिस की इस तेजी की वजह से एक बड़े अपराध की घटना बढ़ने से पहले ही रोक ली गई। संजीव चौधरी, MH1 न्यूज, पंचकुला। पंचकुला के सेक्टर 10 में हुई अपहरण की एक घटना कैद हो गई वहां पर लगे CCTV में। तीसरी आंख में कैद हुई ये तस्वीरें इस अपहरण के केस में काफी मददगार साबित हुई। CCTV में कैद इन तस्वीरों ने राज खोला उस किडनैपिंग का जो खुलेआम एक मार्केट में हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अपराधियों ने अंजाम दिया इस किडनैपिंग को। पंचकुला के सेक्टर 10 में तीन युवकों के अपहरण मामले को सुलझाने में पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ मार्केट में लगा CCTV कैमरा। इसकी मदद से पुलिस ने अपराधियों और अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी की पहचान की, जिससे समय रहते सभी अपराधी पकड़े गए। आइए हम भी आपको दिखाते हैं वो CCTV में कैद हुई लाइव किडनैपिंग की तस्वीरें। पंचकुला के सेक्टर 10 की मार्केट में लगे CCTV ने अपहरण की इस पूरी घटना को कैद कर लिया। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि करीब 10 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले इन तीन लड़कों के साथ मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 10 लोग मिलकर तीन लड़कों को बेरहमी से मार रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई ये किडनैपिंग, आखिर कैसे अपराधियों ने मार्केट में घूम रहे तीनों लड़कों को किडनैप किया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 10 की मार्केट में घूम रहे तीन लड़के जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, ये तीनों पंचकुला सेक्टर 10 की मार्केट में घूम रहे थे। तभी कुछ युवक कार से वहीं पर पहुंचे और उन्होंने इन तीन लड़कों को घेर लिया। इससे पहले के लड़के कुछ समझ पाते, इन अपराधियों ने लड़कों पर हमला बोल दिया। लड़कों के साथ मारपीट करने के बाद इन अपराधियों ने तीनों को कार में बिठा लिया और फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। ऊपर बैठे लोग अपना इस किडनैपिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण से पूरा पुलिस महकमा हिल गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को पकड़कर तीनों लड़कों को बचा लिया। पुलिस ने इस अपहरण मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने 10 में 4 अपराधियों को 3 अप्रैल तक पुलिस की रिमांड में भेज दिया और वहीं 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह एक जमीन जायदाद का मामला है, एक कोठी परचेज की हुई है हमारी पार्टी ने कुरुक्षेत्र में, और जो बेचने वाले हैं वो एक पुलिस महिला SI है, उसका हस्बैंड है और 2-3 लोग और उसके साथ हैं। उनके खिलाफ 406-420 में FIR भी दर्ज हुआ है और उस FIR में भी लिखा है कि कंप्लेनेंट पार्टी ने 30 लाख रुपए लिया हुआ है। जो पंचकुला में FIR दर्ज हुआ है 135, जिसमें ये स्टोरी बनाई गई है कि दे हैव किडनैप्ड, इनफैक्ट दे वर नेवर किडनैप, उनको कोई किसी ने किडनैप नहीं किया, व्यापारी लोग हैं सारे के सारे, इनको कॉल किया गया कि चलो फैसला कर लेते हैं और उस FIR में लिखा है कि 30 लाख रुपए दो। तो पहले वर्षन को खत्म करने के लिए एक ये जो है FIR दर्ज हुआ है। आज कोर्ट ने 6 का तो जुडिशियल किया है और 5 का पुलिस रिमांड किया है कि गाड़ियां रिकवर करनी, नथिंग, बाकी कुछ नहीं रिकवर करना, गाड़ियां रिकवर करनी है।
एक उनका पुलिस का अपना आदमी है जिसकी रिवाल्वर वगैरह थी, वो अभी अरेस्टेड नहीं है। अनिल कुमार, MH1 न्यूज, पंचकुला।